सभी को जय श्री राम राधे श्याम स्वीकार हो। आज एक बार फिर हम आप सभी को अपने बहन मोहिनी जी, बढ़िया रोहित जी, उनके बेटी श्वेता, दामाद मोहिनेश, उनके ग्रह पर आप सभी को अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। नवम रात्रि की आज जो तीसरी रात्रि है, नौ दिन की माता देवी का भागवत कथा, नवरात्रि का माता देवी का भागवत कथा की आज तीसरी रात्रि में आप सभी ने अपने सुंदर सा समय निकाल करके और अपना पदार्पण दे करके आज का रात्रि को और शोभा बढ़ाया है। आप सभी को अपने द्वार पे हम अनेकों बार प्रेम से अभिनंदन स्वागत करते हुए राम राम सीताराम भेंट कर रहे हैं। पारब्रह्म परमात्मा की ऐसी असीम कृपा हुई, इनको बारम्बार धन्यवाद देते हैं कि ऐसे सुंदर समय हमें दिया कि हम आज अपने समय को व्यर्थ ना करते हुए माता जी के चरणों में अपने मन को लगा करके और शायद कुछ क्षण अपने जीवन का हम सफल बना सके। साथ साथ में हमारे पूजनीय पंडित जी, उनके चरणों में प्रणाम, जिनके मुखारविंद से हम प्रथम दिवस प्रथम रात्रि से कथा को और सुनते आए हैं। आज तीसरी रात्रि में भी उनके मुखारविंद से हम अच्छे अच्छे कथा को सुनेंगे और आप सभी आए, आप सभी शोभा बढ़ाए, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। बस हमारी यही आशा है कि आप सब हमारे साथ और ऐसे देते रहेंगे। आज की प्रायण हम करीबन 9 बजे तक समाप्त करेंगे। आप सब बन पाए तो हमें ताली बजाकर या आरती गाकर या जो कुछ भी आपका मन में आए, जो जानते हैं, गाकर हमारे साथ देने की कृपा करें ताकि हम भी, हम लोगों को भी लगे कि आप सब हमारे साथ और जुड़े हुए हैं। सभी को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद और हम चाहेंगे अब पूजनीय पंडित जी से कि आज की जो पारायण है उसको मंत्र द्वारा आप श्री गणेश करें। धन्यवाद धन्यवाद हमारे अति प्रिय महान कलाकार उमेन दोस्त जी, समस्त साथ संगत, उनके बेटे ढोलक पर आज हमारे साथ दे रहे हैं सुमनेश, साथ में विकास प्रसाद और भी अन्य हमारे साथी हैं, सबको बहुत बहुत अभिवादन। और रोहित, मोहिनी, साथ में श्वेता बेटा और मोहिनेश जमाई राजा हमारे घर के, आप सबको पुनः हृदय से धन्यवाद कि आपके द्वारा ये महायज्ञ की आज तीसरी रात्रि में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसके लिए सभी महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके हमारे बीच में आज मामा श्री धर्मानंद जी का भी पधारण हुआ है, तो उनको हम हृदय से स्वागत करते हैं। जो पहली बार आई हैं पुनः उनको हम स्वागत करते हैं। विपरीत मौसम में भी आप सब आए, इसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सबको। आप अपने समय निकाल करके कहीं ना कहीं, होता तो यूं है कि जिसके भाग में होते वही आते हैं, जिनके भाग में नहीं होते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि श्री महादेव जी ने माँ पार्वती को दुर्भित जवाब दिया है कि ग्रह कारज नाना जंजाला, हम अपने जंजाल में फंस जाते हैं, इसलिए 9 दिन है, आज चलेंगे, कल चलेंगे, परसों चलेंगे, ऐसे करते सारा 9 दिन पूरा हो जाता है, लोग पहुंच नहीं पाते हैं। तो पार्वती जी ने पूछा है शंकर भगवान से कि प्रभु पहुंच कब पाएंगे वो है? तो बोले ऐसे ना देवी, वो जो बुद्धिमान होते हैं, जो कुछ कारज कथा से पहले कर लेते वो, और जो कुछ कार्य कथा के बाद में जाकर करते हैं वही पहुंच पाते हैं। तो ये बुद्धिमता की बात होती है, अपने बुद्धि का हम प्रयोग करें। अगर कुछ कार्य है हमारा तो बस 24 घंटा होते हैं दिन में, कहीं ना कहीं हम उस 24 घंटों में से 1.5 घंटा निकाल लें। और रोहित जैसे महानुभाव, उनके धर्म पत्नी मोहिनी जैसे और उनके बेटी और जमाई राजा के जैसे हृदय वाले को घर पर थोड़ा देरी के लिए आ जाएंगे तो भगवती की अनुकंप कृपा बरसें, यही आज हम सबका लक्ष्य होगा तीसरी रात्रि में। चले हम भाव से हाथ में प्रसाद ले लेंगे मंत्र के माध्यम से और हम प्रसाद अर्पण करें। पहले तो हमारे सुंदर भोग का गीत जो है हमारे श्री उमेन दोस्त जी द्वारा। सेवा में भेंट है अर्पण माँ देवी स्वीकारी सेवा में भेंट है अर्पण माँ देवी स्वीकारी फल फूल नए भेंट जोड़ा रे फल फूल नए
चंदन शीतलता प्रदान करती है, कथा सुनने में सहयोग प्रदान होता है, मन विचलित नहीं होता है, मन की भावनाएं केंद्रित होती है भगवती के चरणों में। आइए दोनों लगा ले। हरिओम श्री खंड चंदन मध्यम गंधारिया सुवनो हरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रति गृहतम। अब दोनों हाथ में पुष्प ले लेंगे और पुष्प लेकर के हम लोग थोड़ा सा ध्यान कर ले गणपति भगवान का मंत्र और उसके बाद में माँ सरस्वती का मंत्र और उसके बाद में हम एक सुंदर भगवती कथा से पहले श्री गणपति भगवान का स्मरण करेंगे, हम स्तुति करेंगे और भगवान गणपति से निवेदन करेंगे। परमात्मन विपरीत मौसम जो हमारे आज ओकलैंड या नॉर्थलैंड या न्यूजीलैंड पर जो छाया हुआ है, इसके अंतर्गत हमारे वार्निंग्स भी आए हैं कि लोग सावधान हो जाएं। कई बार आ चुके हैं, बाढ़ से पीड़ित हुए हम कई बार, तो ऐसा ना हम डर जाएं कि अगर हम कहीं लो एरियाज में हैं जहां बहुत बाढ़ का डर होगा तो हम जल्दी घर पहुंच जाए, ताकि हम वैसे हो सके तो यहाँ भी सो सकते हैं ना। ठीक है रोहित भैया, हाँ अब बहुत चद्दर है भैया, हम लोग यही सो जाएंगे, अच्छा कोई बात नहीं। चले भाव से भगवान को नमस्कार करेंगे, सब बोलेंगे साथ में हमारे ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ सरस्वती की वंदना करें, समर्पण करके या कुंदइंदु तुषार हार दबला या सुब्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा
या श्वेत पगमा आसना या ब्रह्मा चित्त शंकरा प्रवृत्ति विरदेवै सदा बंधिता सामां पातो सरस्वती भगवते नीशे जाद्यापा। अपने अपने माता पिता को हम सब प्रणाम कर ले। मैं अपनी पूजनीय माता श्री के चरणों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडवत प्रणाम करना हूँ। माँ ओम मातृदेव भव। अपने अपने पिताओं को हम प्रणाम कर ले। मेरे स्वर्ग पिता को मैं प्रणाम करता हूँ। ओम पितृदेव भव। अपने अपने गुरुदेव को हम प्रणाम कर ले। ओम अखंड मंडलाकार व्याप्तयेन चराचरम् तदपदम् दर्शितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्य प्रातः स्मरणीय भगवान श्री गुरुदेव जी, हमारे स्वामी श्री लक्ष्मणदास जी के चरणों को मेरा बार बार प्रणाम है। और चले हम सभी विद्वत संत महात्मा जन, जहां से भी हमारी कथा, जहां से आप लोग सुन रहे हो, अपना आशीर्वाद देते रहे। हमारी सभा में जितने वयोवृद्ध हैं, सबको मेरा भूरी भूरी व्यासपीठ के मंच से प्रणाम है। और जितने हमारे छोटे हैं, सबको मेरा आशीर्वाद हो। और चले हम सभी को हमारे जितने भी चैनल के माध्यम से आप तक ये कथा पहुंच रही है, उन सबको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मित्रेश भैया, आपको विशेष विशेष धन्यवाद। एक ही रात में हम कथा को यूट्यूब पर आप आज ले जाते हैं। हमारे फेसबुक पंडित डॉट राम कुमार सेवक, शास्त्री पंडित डॉट राम कुमार सेवक, दोनों पेजों में आती है। और साथ में रेडियो रिश्ते के द्वारा प्रसारित यह आज का तीसरी रात्रि आपके बीच में सेन शर्मा जी, हमारे शुभम सिद्धांत लाल, हमारे समस्त जितने भी रेडियो रिश्ते के हमारे कार्यकर्ता हैं, सबको सानिध्य में लेते हुए ऑनलाइन व्यूवर्स, आप सबको हम प्रणाम करते हैं। चले भाव से एक गणपति भगवान का स्मरण होता हुआ हम भगवती माँ के कथा को श्रवण करने में तत्पर हो। रोनेश, आपका स्वागत है। आज बड़े प्रसिद्ध हमारे डीजे और साथ में कैमरामैन, इनको पुनः अपने इस सानिध्य में पाकर के मैं कृतज्ञ हुआ। धन्यवाद। जय गणेश, जय गणेश, और इसको
माता के नव रूप का वर्णन हो चुका है और नव रूप में अगर किसी ने माता का वह भक्ति भाव से उनकी आराधना करी है तीन बीज मंत्रों के माध्यम से ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम ह्रीम क्लीम, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच और अंत में ओम दुम दुर्गाय नमः। और कहा गया है कि पांच पांच लाख बार इन मंत्रों को जाप करने से भगवती साक्षात प्रकट हो जाती है। और क्या यह संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है। आज बागेश्वर धाम में आपने सुना है हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी, भारत के बहुत ही प्रसिद्ध युवा जो 26 साल की उम्र में, हमें तो लगता है उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। अगर सिद्धि ना प्राप्त होती तो अगला जो सामने बैठा है उनकी भविष्य कथन या वर्तमान कथन या भूत कथन वो कर नहीं पाते, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी होते हैं जो ऐसा वरदान कहीं ना कहीं कोई देवी और देवता से प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आराधना, उनकी याचना, उनकी याचना, उनकी वंदना, उनकी सेवा भगवान के प्रति निष्ठा पूर्वक होती है। और जो निष्ठा पूर्वक ऐसी दिव्य विभूतियों का वह स्मरण करते हैं तो निस्संदेह उनके जीवन में हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जैसा या अभी फिलहाल जल्दी में हमारे न्यूजीलैंड या विश्व में विचरने वाले स्वयं श्री परम ऋषि ब्रह्म ऋषि
सिद्धेश्वर जी उनके हाथों में भी आप पाओ कि कई प्रकार के सिद्धियां विराजमान हैं। तो सिद्धि को प्राप्त करना है तो चरजीवी हनुमान जी जैसा बन जाओ। आदिशक्ति जगदम्बा भगवान की मैया सीता की उन्होंने बहुत आराधना करी क्योंकि मां सीता का वह अनन्य भक्त हुआ, श्री भगवान राम का अनन्य भक्त हुआ, इसीलिए तो मैया ने उनको वो वरदान दिया। क्या वरदान दिया हनुमान जी को? जाओ हनुमान जी, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, देती हूं राम, जल्दी करें। धन्यवाद। कोशिश करें हम थोड़ा 10 मिनट पहले आ जावा करें हम लोग, ताकि कथा में हमें बाधा ना हो। जब हम बैठे तो बड़े भाव से इसको कर लेते हैं। बुनियादी शक्ति जगदम्बा भवानी मैया की अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। और एक बार सुनकर बनना भगवान जी को क्या मिला? सदा रहो रवि सबके साथ, सदा रहो एक दिन नहीं, सदा रहो रवि सबके साथ। और तुमरे भजन राम को भावे, तुमरे भजन राम को भावे, तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख निवारण, अंत काल भगवान काल भाई और देव का सिद्धान, जन्म के से संकट कटे मिटे ज्योति राजो हरे। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, पासर हो यहाँ सत पार पाठ करे, यहाँ सत पार पाठ करे, झूठे बंधन झूठे बंधन भोला पड़े हनुमान चालीसा, भोला पड़े हनुमान चालीसा, मोहे सिद्ध साखी तुलसीदास सदा हर तेरा, तुलसीदास सदा हर तेरा, जय नाथ जय नाथ जय नाथ जय नाथ जय नाथ। ये कलयुग के बहुत हुए होंगे तो 500 वर्ष पहले लिखा हुआ श्री पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी द्वारा सन 1631 में, 1631 में श्री रामचरितमानस का श्री गोसाई तुलसीदास ने उनका समापन किया और उसके तदुपरांत उन्होंने श्री हनुमान चालीसा पाठ का वर्णन किया। इसमें आप पाओ कई ऐसी बातें आई है जो इस कथा के माध्यम से कहना अच्छा लगता है, क्योंकि आज हम सीधे कथा में जाने वाले हैं। आज आपको दो कथाएं हम सुनाने वाले हैं, दो कथा जो है आपने पहले भी सुनी होगी लेकिन भाव शायद कुछ थोड़ा सा अलग होगा। हनुमान जी की कथा में या चालीसा पाठ में आप पाओ बाबाजी, उसमें लिखा है भानु कहां पर है? सूर्य 125 मिलियन किलोमीटर दूर है। युग सहस्त्रायो जन पर भानु, युग क्या है? 12,000 संस्कृत में एक युग का गणित जो होता है 12,000 और युग एक युग सहस्त्र, सहस्त्र का मतलब है 1,000, therefore 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,000 और फिर मल्टीप्लाई बाय योजन, और एक योजन अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन 13.8 किलोमीटर होते हैं एक योजन।
तो तीनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर देना घर जाकर के, कैलकुलेटर तो लाए नहीं हो और फोन हो तो अभी चलाएंगे तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए उसको शांति रखें। मैं चाहूंगा कथा में कभी मेरे सामने कोई रोनेस को छोड़ करके फोन अपने हाथ में ना रखा, क्योंकि आपका मन एक ही जगह केंद्रित होता है, दो जगह नहीं हो सकते, दो जगह आपका मन कभी हो ही नहीं सकता। देवऋषि नारद पहुंचे वृंदावन में क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के सर में दर्द हो रहा था, बार बार कितने वैद्य आ गए और कोई ठीक नहीं कर पा रहा है। तभी का एक देवऋषि का आगमन होता है और देवऋषि ने कहा, प्रभु अरे आपके इतने होनहार पटरानी है और 16,000 और रानी लोग हैं, कोई के पास है वो हाथों में जादू नहीं है क्या, वो आपके सर दबा दे और ठीक हो जाए आप। भोग गोविंद ने कहा कि नहीं देवऋषि, हां एक काम हो सकता है। बोले क्या? बोले रानियों से कहो कोई अपना पैर का धूल मुझे अगर दे दे तो मैं अपने सर पर लगा लूंगा और मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। कभी सुने इसको रोहित जी? मोहिनी को कहना चरण रज दे दे एक दिन, सर में दर्द हो लगा लेना, लेकिन एक शर्त पर, वो जो नारी हो वो निष्ठा पूर्वक हो, पति सेवा और भगवान की सेवा में जिनका इतना लगन हो वो ये कर पाएंगे, अन्यथा उनके चरण रज कोई साधु अपने माथे पर नहीं लगाएगा। गोविंद ने कहा कि हे देव ऋषि, जाओ ना रानियों से कहो कि कोई भी रानी तैयार हो जाए अपने चरण रज मुझे दे दे, चाहे वो स्वयं रुक्मणी हो, चाहे वो सत्यभामा हो, चाहे वो आज की कथा में आने वाली जामवंती हो, आठ पट रानी हो, कोई तैयार नहीं। सब बोले नहीं नहीं नहीं, पता है, बोले पति के तरफ चरण करने से भी इतने 1,000 सालों तक नरक में पड़ना पड़ेगा, तो हम तो अपना चरण रज नहीं देने वाले। ले हो, अब कैसे दर्द ठीक हो? गोविंद भगवान का देवऋषि नारद बड़े दुखी हो गए, प्रभु कैसे ठीक होगा? बोले कोई रानियां नहीं तैयार है, जब पटरानियां नहीं तैयार है तो ये आपके जो 16,000 रानी वो भी नहीं तैयार है। तो बोले देवऋषि एक काम करो ना, बोले आप चले जाओ वृंदावन, अब वृंदावन में चले जाओ, आप पूछो वहां गोपियों से कि अगर कोई गोपी तैयार हो अपने पैरों के चरण रज देने के लिए तो हम मानेंगे। वे वही सुन चले गए देवऋषि नारद बड़े दुखी मन से कि मैं जाऊं और इन द्वानियों के बीच में उनके चरण रज मांगू। देवऋषि नारद को देख करके गोपियां सब मस्त हो गई, मगन हो गई, अरे देवऋषि नारद आए, प्रणाम करें सब मिल करके। और तभी बड़ा उदास मन से देवऋषि नारद ने कहा, सबने पूछा कैसा है, कैसा है वो? बोले ठीक, लेकिन बड़ी दुखी बात, बोले क्या दुख? बोले उनके सर में बहुत दर्द है देवियों, तो क्या कर रही है रनैया लोग, क्या कर रही है रुक्मणी जी? बोले वो तो जो चाहते हैं वो दे नहीं पा रही। बोले क्या चाहते हैं वो? बोले अपने कोई भी चरण के रज ना, पैर के धूल अगर दे दे तो उनके सर में लगने से उनका सर दर्द ठीक हो जाएगा। अरे तुरंत ही राधिका मैया सबसे नजदीक खड़ी हुई थी और देवऋषि के कंधे पर अपना हाथ धरी और अपने दाहिने पैर उठा ली और कहा, ले जितना रज चाहिए आप ले लो। हैरान हो गए देवऋषि नारद और इनके देख करके, राधिका मैया को देख करके बाकी जितने वहां के गोप गोपियां थी ना वो भी मगन और वो भी दौड़ दौड़ करके आ रही है देवऋषि के पास में। देवऋषि मेरा जी चरण ले जाओ ना, रज ले जाओ, अरे जिससे हमारे एक वो स्वामी, हमारे वह श्री गोविंद वो लल्ला, उनके सर में दर्द जो है वो ठीक हो जाए। बस जब वापस गए हैं ना श्री भगवान के चरणों में, देवऋषि नारद पड़ जाते, बोले भगवान
ये है अनुपम प्रेम, ये है गोपियों का प्रेम। उन्होंने कहा हे ऋषि, हे देव ऋषि, हमारे पास तो एक ही मन है और वो मन हमने श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया है। आप जैसा और बाकी विद्वानों जैसा हमारा 10 मन नहीं है, 10 जगह नहीं केंद्रित हो सकती है। इसलिए हमारा मन कहाँ केंद्रित होता है? एक ही जगह केंद्रित होता है, भगवान के चरणों में, देवी के चरणों में केंद्रित कर दिया जाए। क्षमा करना माताएं देवियों, बच्चों, मैंने इतना लंबा भूमिका बांधा कि फोन ना चलाओ अपना। कभी कभी ऐसे होते हैं ना, कुछ बताने के लिए कुछ लंबा भूमिका बांधना पड़ता है, बहुत लंबा रास्ता लेना पड़ता है। तो ये छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। हमारे वहां सीमाचारी के वहां जाओ ना, मामा धर्मानंद जी क्या बताए सबसे पहले सीमाचारी भैया, बोले प्लीज स्विच ऑफ योर फोन्स और पुट इट इनटू साइलेंट मोड। आप प्लेन में बैठो तो कहते हैं भैया आप उनको फ्लाइट मोड में कर दो, लेकिन कोई कोई नहीं करते, फिर भी देखते रहते हैं और नहीं चाहिए काम करने के, भले उसमें लिखा होता है वाईफाई, स्टिल ऑन द मोड ऑफ फ्लाइट मोड तो वाईफाई चलाओ, नहीं तो नहीं चलाओ। क्रैश हुआ प्लेन, फोन के साथ में सीधा समुद्र में गिर गया। वर्जित टिकटॉक मोड पे कर देता। अच्छा, टिकटॉक मोड पे कर दो। सुंदर भजन, और हम आगे बढ़ते हैं। आज दो माँ का एक ऐसा अनुभव मैं देख रहा हूँ, दंडताल दिख रहा हूँ। विकास प्रसाद के हाथ में, रुनेश भैया हमारे दुनिया भर के लोगों के पास दंडताल कैसे लग रहे हैं? एक बाबा गए गांव में कथा करने के लिए, लोगों ने कहा दंडताल ले आओ, दंडताल ले आओ। बाबा ने सुना, अरे भैया बोले हम 3 ताल सुने, जप ताल सुने और दीप चंदी ताल सुने, लेकिन दंडताल नहीं सुने। ये है दंडताल, यही बाबा विकास है। काली दुर्गे हो मंगलवारी हो, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
कोई ऐसा पुराण की कथा बताओ जिसमें शिव जी ना आते हो, है याद है किसी? कोई ऐसा पुराण की कथा में बता दो, 18 पुराण की रचना दिए व्यास मुनि महाराज ने कही, कोई ऐसी ऐसी पुराण बता दो जिसमें शिव जी महाराज ना आए, शिव जी महाराज ना आए कल्याण नहीं, उस कथा का कोई कल्याण नहीं। थोड़ा एक ऑन कर दो हम सस्ता, जहां तक बहुत सारे लोग जब जुड़ जाते हैं तो थोड़ा सा हमारा, हाँ ये अरिमा गरिमा नगरिमा सब आ जाता है ना, तो हाँ ये सिद्धियां आ जाती है। तो आइए हम आपको दो चार प्रमुख बातें बता करके सीधे निकलते हैं आज की कथा का महत्व में। और रोहित जी मोहिनी जी भाव से आप श्रवण करें। देखिए कल मैं जब रोहित गा रहे थे मोहिनी ना, तो कल बाद में हम जाकर के पोस्टमार्टम किए हमारी लाइव रिकॉर्डिंग का, तो आप एकदम बिल्कुल माता जी को देख रही थी, इधर देखी भी नहीं कि कैमरा में आप लगती कैसी हो। थोड़ा कभी कभी प्रदर्शन करा दो ना कि जिस देवी ने इतना बड़ा आयोजन किया है उस देवी लगती कैसी। कभी कभी लोग कल्पनाओं करते हैं कि मोहिनी नाम तो बड़ा सुंदर लग रहा है। कल बताया आप लोगों को ना कि भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था, और वह आप लोग ने एक कथा मैंने नहीं बताई थी आपको, देवऋषि नारद पहुंच गए कहां पर आपको पता है, मार्ग में एक बड़ा सुंदर, उनको मार्ग में एक सुंदर महल दिखाई दिया, उतर गए शील निधि के नगर में, एक विश्व कन्या थी वो भी इतना सुंदरी थी कि देव ऋषि को लगा मैं इनसे विवाह कर लूं, और उसको पाने के लिए उन्होंने भगवान से तपस्या करने लगा। भगवान तो गौर रहे थे कि कब देव ऋषि हमें ध्यान करें वहां जाए, और तुरंत भगवान प्रकट हो गए, बोले क्या मांगते हो देव ऋषि, बोले बस हे प्रभु कोई ऐसा वरदान दे दो प्रभु जिससे मेरा कल्याण हो जाए। आप तो सारे जगत को पालन करने वाले हैं प्रभु, बस अपना रूप मुझे दे दो। प्रभु ने सोचा बहुत अच्छा, देवऋषि के अंदर में छुपा हुआ अहंकार के अंकुर जो फूट गया उसको शांत करने के लिए उन्होंने तथास्तु कर दी, लेकिन दिया क्या उसको हरि करो, हरी बंदर को कहता। और जब विश्व मोहिनी कन्या आई है देवर्षि नारद तो आगे वाले सीट पे बैठ गए थे, अब उसको दूर क्यों चलाए भाई, मैं तो स्वयं श्री हरि का रूप लग करके बैठा हूं, और सबसे पहले आए मुझे देखे और वो जयमाल मेरे गले में डाल दे, बस खत्म, किससे आ गई बन में, सोचो अपने मन में। सब राजा जो दूर दूर से आए सब चले जाएंगे, थोड़ा सा काम है बस इतना ही, लेकिन उनको क्या पता कि वो विश्व मोहिनी कन्या को ये देवऋषि नारद लग कैसे रहे, एक बूढ़ा खटूस मरकट बंदर। और जो वहां के बड़े बड़े राजा लोग थे उनको दिखाई दे रहा कि देवऋषि नारद बैठे हैं, जयमाल उनके गले में ना गई, लेकिन उसी समय भगवान श्री नारायण जी आ गए शिल निधि के उस यज्ञ में, जयमाल डाल दिया उसके गले में। आज भगवान के अति प्रिया उन्होंने भी एक ऐसी रूप को धारण किया जो सारे जगत को मोहित कर देता है, यहां तक कि बड़े बड़े ऋषि डूब जाते हैं। वो है हमारी देवी की आकृति, वो है देवी भगवती की वो प्राकाष्ठा, वो है भगवती देवी के रूप जो कितने बड़े बड़े दैत्य को मोहित किया। और यहां श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनका वर्णन हुआ है, जो फल कठिन तपस्याओं से, तीर्थ सेवन से और अनेक विधि दान आदि से नहीं पूर्ण होता है वह मनुष्य नव यज्ञ कर ले, बस अपने आप को समर्पित कर ले भगवती के चरणों में, अपने हर एक इंद्रियों के द्वारा जो कुछ कहा जाए उसको श्रवण करें,
यह नवा यज्ञ लोगों को पवित्र कर देता है, ऐसा श्रीमद् देवी भागवत करती है। पुत्राति साधो वदरी वनम नो यताहि देवी मखाया भी प्राह। एत्वय श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसे धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति उत्तम साधन माना गया है। और आगे चल करके कहते हैं वेद व्यास मुनि महाराज जी, या एताम श्रृणुयादाम भक्त्या श्रीमद् भागवतीं कथाम मुक्ति भुक्तिं च लभतया भक्त्या यस्या पठेद्याम। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस महापुराण को कथा को पढ़ता है, सुनाता है, श्रवण करता है, वह भोग तथा मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। अपुत्रो लभते पुत्रं द्रदिद्रो धन्यवान भवेत। रोगी रोगात्यं प्रमुच्यत श्रुत्वा भागवताम। बड़ा सुंदर स्तोत्र है। वेदव्यास जी कहते हैं राजा परीक्षित से, हे राजा परीक्षित, और उधर श्री मार्कंडेय से स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनिवर, हे ब्राह्मण, ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण जिनके पुत्र ना होते हो ना, उनके घर में संतान की उत्पत्ति का साधन मार्ग है। कोई रोगी हो जिनके कोई रोग हमारे डॉक्टर भी नहीं ठीक कर पा रहे हैं, वो रोगी जाकर के श्रीमद् देवी भागवत पुराण का शरण ले तो उनके रोग वे विनाश हो जाते हैं। आगे चल करके दो प्रमुख और बातें फिर हम आज के महत्व में चलते हैं। बंध्या वाका बंध्या वामृत्वस्त्यायांगना देवी भागवतम श्रुत्वा लभेत पुत्रं चिरायुषम्। बंध्या स्त्री हो, बांझ बोलते संतान वाली स्त्री अथवा वह स्त्री जिनके संतान पैदा होकर के मृत्यु की शैया पर चले जाते हैं, उनके लिए ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण जो है सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाली। श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुन करके दीर्घ आयु वाला पुत्र को हम प्राप्त कर सकते हैं। एक बात ध्यान में दे, हमारे एक बहुत प्रसिद्ध पद्मश्री अनूप जो नोटा के माध्यम से दो लाइन सुने, जिनके हृदय श्री राम बसे और तना मरियो नहीं।
बेटे से कर तो रोहित भैया को संपर्क कर लीजिए।
भाई हम शादी भी कराते हैं कथाओं में, मामा जी हम यात्रा भी करवाते हैं कथाओं में, वैष्णो तो एक दूसरे भाई भी बैठे हुए हैं, हर साल हम लोग जाते हैं भारत का भ्रमण करते हैं। अगले साल का ट्रिप से अगर आपको जरूरत है जाने की, सुनिएगा साथ में। अब कोविड आए जाए आए जाए आए जाए जीवन खत्म हो जाएगी, जो इच्छा है वो कर ले, जो तीर्थ आदि करना हो कर ले, तब आंख बंद हो जाए क्या पता। भगवकार वेद व्यास मुनि महाराज कहते हैं, पूजितम यद गृहात्, पूजितम यत्र गृहात् नित्यं श्री भागवत पुस्तकम् तद ग्रहं तीर्थभूतं हि वसतां पापनाशकम्। जो अपने घर में श्री देवी भागवत पुराण रखता है, आपको शरण लगे रोहित जी से बात करने, उनके पिताजी से बात करने, उनकी माता जी भी बैठे हैं। पांच साल पहले मैंने छोटे को देखा था, हारमोनियम पर जब हाथ फेरा मैंने कहा ये बच्चा जीवन में कुछ करेगा, और आज कितने सारे बात मिल रहे हैं हमें, तो मैं देख रहा हूँ दाढ़ी मूंछ बड़ी बड़ी हो गई है। भगवान करे ऐसे ही मार्ग में रहो बेटा, देवी भागवत पुराण घर में रख पढ़ो, और इनके पढ़ने से तीर्थों की यात्रा आपने की है ना की है, वहां सब प्रकार के पाप नाशक जितने भी देवताओं देवियां आती हैं, सब पाप हमारे और आपके हर दिन जाते हैं। ऐसा ये है दिव्य पुराण की कथा है, और इस कथा को कहते सुनते एक एक श्रोता मगन हो गए, जन्म जय को स्वयं श्री वेद व्यास मुनि जी महाराज ने उनके पिता राजा परीक्षित के मोक्ष के हेतु सुना है। यद्यपि शुकाचार्य ने श्री मद भागवत पुराण सुना करके उनको तरंतार कर दिया, फिर भी वेद व्यास मुनि ने उनके पुत्र जनक जय को बिठा करके श्री देवी भागवत पुराण की कथा सुना, और एक महत्व सुनेगा भोजवंशियों के राजा सत्रहजीत को द्वारिका में सूर्य भगवान को पास रखे हुए नित्य प्रतिदिन एक लोग का जल वो सूर्य को अर्पण करते थे, और सूर्य मंत्र से अभिमंत्रित करके जल को देते थे। भगवान सूर्य के प्रति उतना प्रति निष्ठा था बनता, और तब एक दिन सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और साक्षात्कार हो गए भोजवंशियों के राजा सत्रहजीत के आगे, प्रसन्न होकर के वरदान दिया, हे राजन मैं अति प्रसन्न हूं तुमसे। सूर्य भगवान ने अपने हाथों से समंतक नाम की मणि को उतार करके अपने गले से बोले श्री भगवती आदिशक्ति जगदम्बा भवानी मैया की, बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की। देखे ना एक लोटा जल कितना काम करता है,
तो तीन लोटा जल दे दियो। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। तो ऐसे हजारों फूल आपके यज्ञ में मिलेंगे, साक्षात्कार माँ हाथों में दे देती। कल तो बहुत मिले ना, ये भी इनको सिद्धियां ही मानो, आशीर्वाद मानो। कहे ना माता के चढ़े हुए पुष्प गिर जाए आपके देखते देखते, तो आपका सब मनोवांछित फल प्राप्त होने का संभवता है आशीर्वाद के रूप में। और सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के वो समंतक मणि को दे करके है और सत्राजित को कहा कि जाओ खुशी रहो। और वो मणि की बहुत बहुत, वो समंतक मणि की इतना ज्यादा महत्व है, आपको बताए कितने भार वो मणि नित्य प्रतिदिन उनके राज्य में देने वाला था। और एक दिन जब आ रहे थे समंतक मणि को पहन करके, तब जितने यदुवंशियों ने उन्होंने देखा, अरे 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 सूर्य भगवान स्वयं चले आ रहे हैं आज, ऐसा चमक था उस समंतक मणि के। कृष्ण भगवान भी आसपास में थे, उसने कहा अरे पूर्ववासियों यदुवंशियों, ये सूर्य नारायण देव नहीं है बल्कि ये स्वयं हमारे राजा सत्रजित है। और उनके गले में जो वो समंतक मणि है उनका चमक के कारण से इतना भाव प्रद हो रहा है सब कुछ। और जैसे आए जा करके अपने स्थान पर उस मणि माला को रख दिया। और एक दिन उनके छोटे भाई परेशन को लगा कि मैं इस माला को पहन करके और मैं शिकार खेलने के लिए जाऊं। और जाकर के उसने समंतक मणि अपने गले में डाला और चले गए घोड़े पर सवार होकर के यदि वंशियों के साथ में शिकार खेलने के लिए आखेट पर चले गए। और जब वन में गए तो वहां एक शेर था और शेर ने देखा चमकता हुआ एक मनुष्य आ रहा है हमारी तरफ, तो गुफाओं की किंद्रियों में पहाड़ों पर चढ़ करके उनके ऊपर कूद दिया और परेशान को मृत्यु का घाट उतार दिया और अपने मुख में उस समंतक मणि को दबा लिया। और एक गुफा के अंदर में जैसे शेर जाता है, और तब वही गुफा में जामवंत जी, याद करो ना वो वृक्षराज जामवंत त्रेता युग वाला, वो यही रह रहे हैं। उन्होंने देखा शेर पर आक्रमण किया, शेर का वध कर दिया और उस समंतक मणि को अपने पुत्र को दे दिया खेलने के लिए। और इधर बहुत दिन हो गए, सत्राजित लौटा नहीं। क्षमा करना, परेशान लौटा नहीं। सत्राजित को लगा क्या हो गया मेरे भाई को, सब लोग एकाएक कृष्ण भगवान को कलंकित करने लगे क्योंकि श्री कृष्ण उस रत्नमाल उस मणिमाल का तत्व को जानता था। हो ना हो कृष्ण ने ही परेशान को मरवा डाला, ऐसा कलंक लग गया। पता है ना कलंक किसी पर लग जाए कितना वजन होता है मालूम कलंक का? कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, पूछा पहला प्रश्न, जल से पतला कौन है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन कलंता जल से तारी। तो उत्तर क्या है बेटा? उत्तर आया
जल से पतला ज्ञान है, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक वाह 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 किसी पर कलंक लग जाए वो काजल से भी काली, किसी को क्रोध आ गए ना वो भूमि से भी भारी हो जाए, और किसी के ज्ञान बिछल जाए ना, the little knowledge is very dangerous. मैं दो हफ्ता पहले जब भारत में कथा कर रहा था तो गांव वालों के बीच में था, तो वहां बेचारे कई ऐसे होते हैं जो स्कूल नहीं गए हैं, आपको बताए पूर्णिमा बेटी आप कथा सुन रही हो, गोंडा के इस सुंदर शहर के थोड़ी दूर पर ये नगरी है बादीपुर, जहां मैं एक हफ्ता ठहरा और वहां नीम के पेड़ दिखाई दिए, तो भैया हमने कहा तो पूर्णिमा अपने चाचा श्री हमारे अति प्रिय नारायण जी जो है हमारे श्रीमन नारायण जी से कहा कि महाराज को कथा याद है वो नीम के पेड़ देखा था, मैं बहुत बड़ा नीम के पेड़ देखा था भैया, मैं रुक गया नीम के पेड़, कुछ संध्या हो गई थी ना, कल मैंने कहा था कि संध्या के रात्रि के समय में नीम के पेड़ के पास नहीं जाना है, खास करके श्वेता बाल खुले हुए नहीं जाने चाहिए, लिबिया के पत्ते से निचिया उतरिया पूजा स्वीकार करो अचरवा तो भर जा पूजा स्वीकार करो अचरवा तो भर जा पर लागल झुलनवा नयनवा ये सिर्फ आवा जावा ही बोलते हैं, लेकिन वहाँ ये बोलते हैं भरवा भरा लावा अन्न धन खजाना, भरवा भरा लावा अन्न धन खजाना, तोरे कृपा से मैया खेले रे ललनावा, तोरे कृपा से मैया खेले रे ललनावा, सेवक पर एक दो सेवक है, एक सेवक जो सेवा करता है और दूसरा सेवक आपका दास जो यहाँ बैठा हुआ है, मैंने अपने नाम कभी बदले नहीं किया,
चाहे शास्त्री आगे लगा दो, चाहे महाराज लगा दो, आपकी मर्जी, लेकिन मेरा नाम सेवक है। और सेवक में जो मजा है ना, वो बड़े बड़े नाम में नहीं होता है। इसलिए सेवक पर तेरा तू नजरिया, सेवक पर तेरा तू नजरिया, ओ नया नवा माई तेरा, अगर हम वहाँ होते भाई खड़े हो जाते तो ठुमका लगा करके बैठ जाते। विकास के दंडताल काम कर रहे हैं लोग, तो याद रहे आपको तीन ताल, जप ताल, जप ताल, दीप चंदी ताल, सब ताल, लेकिन दंडताल विकास से समझाएंगे। विकास प्रसाद बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार और साथ साथ में वाद्य यंत्र फिजी इंडिया से मंगाते, भारत वर्ष मंगाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इनके पास वाद्य यंत्र है। कभी आपको खरीदना है, बेचना है कुछ, इनके पास चले जाइए। और वो अभी एक शिपमेंट आने वाला ना विकास, एक शिपमेंट आने वाला है, नेक्स्ट वीक आने वाला, धन्यवाद। और इनके पिताजी भी बड़े अच्छे कलाकार हैं, बाहर बैठे हुए हैं आज। मैंने नाम नहीं दिया, हमारे उमेन दोस्त ने नाम दिया विकास प्रसाद डंडताल वाला। आना आप भारतवर्ष में देखो, मिठाई वाला, बीकानेर वाला, दारू वाला, सबका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो धंधा में लगे हुए थे। अब कोई नाम नहीं मिला तो फिर ये बर्फी वाला बड़ा प्रसिद्ध एक्टर का नाम क्या है भैया, कुणाल गांजा वाला। मैंने रिसर्च किया उस पर, उनके जो पूर्वज थे ना, वो गांजा की बिजनेस नहीं करते थे, गांजा से दवाई बनती मालूम आपको ना, मोफिन, जब कोई बहुत दर्द में होता तो मोफिन दवाई दी जाती है। तो ये लोग के पास में वो थोड़ा सा वो चिकित्सा करने वाला वो होम्योथेरेपी, हाँ, उसमें दवाई बने वाले। तो ये जो कुणाल गांजा वाला है ना, उनके पूर्वज लोग गांजा के चमत्कार, तो इस कारण से उनका नाम कुणाल गांजा वाला पड़ा। और बीकानेर बीकानेर वाला के पास जाओ ना, उनसे पूछो आपका नाम ये वाला कैसे पड़ गया, क्योंकि लोग मिठाई की दुकान करते थे और बीकानेर जो था वो गाँव था, इसलिए बीकानेर वाला बन गया। ऐसे भीका भाई वाला भी हो सकता है ना? तो जैसे नाम जिनका जैसे पड़ा, जो पड़ा अपने नाम पर गौरव रखे, तो विकास प्रसाद दंडताल वाला। हम नाम नहीं दिए विकास, आपके गुरु ने दिए। तो हमारा गुरु जी भाई, मैं तो इनका शिष्य हूं। पाप भूमि से भारी होती, कलंक काजल से भी काली होती है। और ये तो भगवान श्री कृष्ण अपने कलंक को मिटाने के लिए वो यदुवंशों को लिया और निकल गए परेशानी को ढूंढने के लिए। और कहां पहुंचते, उसी गुफा के पास में, और देखा शेर मरा पड़ा हुआ है, परेशान उससे पहले मरा पड़ा मिला था, घोड़े मरे पड़े हुए थे। और तब अंदर गया, कहा यदुवंशों को आप मेरा प्रत्यक्ष करना, मैं आ रहा हूं। अंदर गया तो क्या देखा उसने, जामवंत के पुत्र जो था समंतक मणि को लेकर के खेल रहा था। और उन्होंने प्रयास करी उनके हाथों से वो समंतक मणि को छीनने के लिए, लेकिन इतना चिघाड़ मचाया, वो छोटा सा गुफा में इतनी जोर आवाज आती है ना, जिस आवाज को सुन करके वृक्षराज जामवंत भागे चले आए। और जैसे आए तो देखा कृष्ण को, और अवतावना देखा, बिना सोचे बिना विचारे उन पर आक्रमण कर दिया। अरे भैया, कोई पिता डिफेंस में अपने पुत्र को डिफेंस में वो लड़ेगा। और 27 दिन तक युद्ध हुआ कृष्ण भगवान और ऋक्षराज जामुन के बीच में। इसके पीछे कथा आती हुआ नहीं जाएंगे हम, क्योंकि
कहा गया ना कि बोले ऋषिराज जामुन को लगा कि अभी हमारा मन नहीं भरा युद्ध से। राम जी के समय रावण के युद्ध में कहा बोले हम और लड़ना चाहेंगे, बोले वरदान देता हूं, बोले द्वापर युग में आऊंगा, मैं स्वयं तुमसे युद्ध करूंगा। और यही वो दिन आ गया कि गुफा के अंदर जामवंत ऋक्षराज और श्री कृष्ण से युद्ध हुआ। और 27वां दिन एक मुष्टि प्रहार श्री कृष्ण ने किया कि वो अचेत होकर के पृथ्वी पर जब गिरा तो एक उन्हें याद आया कि ये तो श्री राम जी हैं। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की, बोलो गोविंद भगवान श्री कृष्ण भगवान की। और कहा कि हे प्रभु मैं बहुत देर बाद आपको पहचान पाया, क्षमानाथ पाही माम नाथ शरणागति वा। और तब भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं ऋक्षराज जामवंत, ये मणि के खातिर मैं आया था, इस मणि को लेकर मैं वापस जा रहा हूँ। और यदुवंशी बहुत दिन तक इंतजार करे थे लेकिन बहुत देर हो गया, कृष्ण नहीं आए तो निकल गए वापस चले गए। और उन्होंने राजा सत्राजित को सारा कथा व्याप्त कराई कि ऐसे ऐसे गुफा के अंदर में ये घटना घटी है और आज लोग बड़े परेशान, इधर क्या हुआ, देवऋषि नारद का आगमन होता है उस समय और वसुदेव और देवकी नंदन देवकी जी बहुत परेशान हो गए कि क्या हो गया, हमारे पुत्र इतने दिन हो गए नहीं आए हैं और क्या करा जाए। देवऋषि की आगमन सुन करके और उनके पास उनके चरणारविंद को प्रणाम करते हुए देवऋषि से पूछा कि अगर किसी का पुत्र खो गया हो तो वो क्या करे। देवऋषि नारद ने कहा कि आप घबराइए मत। वसुदेव और देवकी नंदने को कहा, देवकी को कहा कि आप बैठे और हमने सुना है कि देवी भागवत पुराण की कथा सुनने से खोए हुए पुत्र वापस आ जाते हैं और खोया हुआ पुत्र नवा यज्ञ के बाद में पूर्ण आहुति पर आने को आई है। आज नवा यज्ञ श्रीमद् भागवत पुराण, ये देवी भागवत पुराण का अनुष्ठान देवऋषि नारद स्वयं वसुदेव और देवकी को किया, उनको बिठा करके श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा को श्रवण कराया। आज नवा दिन है, नवा दिन पूर्ण आहुति पर जैसे यज्ञ गया और पूर्णामदा पूर्णामिदम होते ही श्री भगवान कृष्ण, इधर क्या हुआ, वो समंतक मणि तो दिया लेकिन हे भगवान मेरे सुंदर कन्या है जिनका नाम जामवंती है, कल शायद तुम्हारे संगे घटना घट जाए, रोहित जीजा क्या करियो आप, मोहिनी आप घरे मिलियो। ऐसे भगवान की दिव्य लीला है भैया, लेकिन हम उसका प्रयोग ना करें, हम ना चला जाए और दो चार को पकड़ लाए, बोले कथा सुने थे हमने और भगवान के पास आठ पटरानी थी, हम भी दो चार रख लेते तो क्या बड़ी बात है। हम एक हमारा एक, ठीक ना, पति व्रता नियम और पत्नी व्रता नियम का पालन जरूर करें। एक छोटा सा बयान और हम कथा के अंतिम छोर पर आए हुए हैं। आज कह रहे थे बेटा लोग कि वो लोग लाइक करना चाहेंगे लेकिन हम कल कर दें, अगर इसमें आपको और बेटा हमारे छोटे उनको दो। हर दुनिया में नाम बड़ा है जगदम्बा माई शरणागति मैया, दुनिया में नाम बड़ा है जगदम्बा माई शरणागति मैया, दुनिया में नाम बड़ा है जगदम्बा माई शरणागति मैया, दुनिया में नाम Okay.
दूसरा महत्व कल हम संक्षिप्त में आपको सुना देंगे। वो कथा आपने शायद पहले बहुत मुश्किल से सुने होंगे। सुधुम नाम का एक युवा है, वो कैसे एक पुत्री एक नारी में बदल जाता है और उस नारी में से पुनः उसको पुरुष में कैसे बदलने की भगवती देवी की कृपा कैसे पड़ती है, और वो कथा हम आपके बीच में कल लाएंगे। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि पूर्णावति होते होते भगवान श्री कृष्ण जी वापस लौट करके और यदुवंशियों के बीच में आते हैं और समंतकमणि राजा सत्रजित को दे करके और इधर उधर जाम्बवंत ने अपनी पुत्री जाम्बवंती को दे करके कहा कि महाराज हाँ अपने पुत्री को मैं आपको एक पटरानी के रूप में देता हूँ, उससे ब्याह कर लो आप। और भगवान कृष्ण ने ऐसे उनको लेकर के और गंधर्व विवाह कर करके वापस आते हैं और जो भगवती शाश्वत सच्चिदानंद रूपा और परात्पर देवी है तथा जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त है और जिनकी आराधना के प्रभाव से ब्रह्मा इस चराचर सृष्टि की रचना करते हैं और जिनका सत्व करके भगवान विष्णु मधु कैटव जैसे महाबलिपा राक्षसों को वध कर सकते हैं, वो भगवती की कृपा जो होती है कटाक्षत्रार भगवान शंकर जगत का श्रृंगार करने में जो समर्थ होते हैं वो श्री भगवती की कृपा से ही ऐसा कर पाते हैं। आज की कथा जो है यहीं पर विराम पर गई है और मैंने कल वादा करा था दो बच्चों से हमारे दिलीप से और हमारे छोटू से हमारे विकास देव के विकास प्रसाद के बेटे से, लेकिन विकास प्रसाद के बेटे को कल हम देंगे। लेकिन एक भजन अंतिम दौर तक आप जरूर हमें सुनाएंगे। चले हम सब आरती के बाद जो कथा लाइव चलेगी, ठीक है ना, आरती का आरती लाइव का रेडियो रिश्ते से मैं विदा ले रहा हूँ और हमारे रोनिष्ठ चैनल से पुनः एक बार